أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني आमीन या हामीन जारबलमी आज हम इनशा अल्लाह के ख़ास फ़ल्ल करम से उसकी रहमत से उसी की तोफ़ी से और इसका ख़ास फजलो करम हमारे ऊपर जिसके जिसकी मदद से हम आराफ़ की आयत नंबर एटी फाइव पचासी नंबर आयत से ऑनबोर्ड शुरू करेंगे इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को इसमें इस्तकामत तकाम नसीब फरमाए और इसका फ़ायदा हमें हर लिहाज से इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारा फ़ायदा है और आखरत में तो ज़रूर जन फ़ायदा मंद लोगों में हमारा शुमार फरमाए जो कामयाब लोग हैं आमीन जारबलमी जी तो सूरत और आराफ में अभी तक जो पिछले कुछ दिनों से सबक चल रहा है हमारा उसने हम देखा कि चार रसूलों का या चार कौमों का जिक्र हुआ और उनमें जो रसूल उन चार कौमों में जो रसूल भेजे उन्होंने क्या पैगाम पहुंचाया अल्लाह की तरफ से क्या दावत दी उनकी कौमों ने उस दावत के साथ क्या सलूक किया और फिर उसके नतीजे में उन कौमों का क्या हज़र हुआ उन कौमों के साथ किस तरह से अजाब जो हैं उनके उन वो उनके ऊपर मुसलत किए गए तो हमने जो अभी तक चार कॉमें पढ़ी हैं या चार रसूल जो आए हैं सबसे पहले हमने हज़रत नूसम जो कि सबसे पहले रसूल थे हज़रत आदम के बाद और उनकी भी सबसे पहली और बेसिक दावत जो है वो शिरक के शिरक से बात रहो अल्लाह के अलावा कोई और मबूद नहीं फिर उसके बाद कौम आद का जिक्र हुआ और फिर कौम सम का जिक्र हुआ ये हजरत नूसलाम और उनकी आगे औलाद में से कौम आद और कौम सम और फिर चौथे जो रसूल थे जिन चौथी चो, कौम जिसका जिक्र हुआ वो कौम लूत थी जो हज़रत इब्राहीम के भतीजे जहाँ पर भेजे गए थे यानी हज़रत इब्राहीम के भतीजे अलैहिस्सलाम वो वहाँ पर हिजरत करके गए थे उस बस्ती में और वहाँ पर जाके उनके इस्लाह की कोशिश की लेकिन उनके साथ भी आजाब वाला मामला आया उस वजह से कि उन्होंने तकबर किया वरूर किया नाफरमानी की और सीधा सीधा इनकार कर दिया साफ कोरा इनकार कर दिया सारी हदायत रहनुमायी और सारा कुछ वाजे हो जाने के बाद भी और फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर इनके स्टडी करें तो फिर हर कौम जो है हजरत हज़रतन की कौम जब उसके ऊपर आदाब आया हजरत हज़रतन और उनके जो कुछ तीन बेटे थे वो वहाँ से ए, उनको बचा लिया गया अल्लाह ताली की खास हमत से फिर उनसे आगे नस्ल चली आदि कौम आद जो है जिसका हमने है यानी हजरत नूसम की दावत और तबलीग और उसके नतीजे में आजाब आया और फिर वो कौम जो नई इख्तियार हुई वो सारी स्टोरीज उनके पास मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद वक्त के गुजरते हुए वक्त के गुजरने के साथ साथ उनमें वापस से वो बुराई की जड़ें जो है वो फूटना शुरू हो गई ये शैतान के वस्वते और शैतान की चालें ही ऐसी हैं कि वो बिल्कुल नापैद चीज को भी थोड़ा थोड़ा सा करके कुरेद कुरेद के चिंग चिंगारी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगाने वाली बात जैसे है। कौमे आद के बाद वो जब अजाब के वक्त अजाब से पहले अपनी कौम को वहां से लेके निकले जो उनके उनके ऊपर ईमान लाए थे वो दूसरी जगह पर उन्होंने पड़ाव डाला वहां पर उनकी आबादी बढ़ी वहां पर भी उनके उनके पास भी हजरत कौम आज जो है उनके सारे वाकयात मौजूद थे लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी भूलते चले गए इसी तरह से फिर हजरत इब्राहिम की तलीमत जो हैं वो तो बहुत बड़ी और बहुत वसी और अबू अबूल्बिया के खिताब के साथ उन्होंने जितना जितनी कावश की दीन के लिए इस्लाम के लिए अल्लाह की तोहिद के लिए ठीक है लेकिन उनकी जो आगे नस्ल थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता आता आहिस्ता Uh, मतलब जिस तरह से हमने कौम लूत का जिक्र किया जो हज़रत इब्राहिम के भतीजे थे तो उनके उन्होंने भी आ, मतलब उन्होंने फिर हज़रत इब्राहिम के बाद जो अब आ रहे हैं उन उनमें अब तो तोहीद यानी अल्लाह की वहदानियत के अलावा शर्क के अलावा एक और बड़ी गुमराही यानी शिरक शिरक की गुनाह जो है उसके अलावा एक और बड़ी गुनाह जो है उसका उन्होंने इरतक किया औ, और वह पहली कौम जो हमने पढ़ी वो थी कौम लूत जिसका हमने कल देखा था आज हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम आगे अगली कौम के बारे में देखते हैं कि क्या है पहले हमने चार रसूलों या चार कौमों का पढ़ा आज हम पांचवी पांचवे रसूल या पांचवी कौम के बारे में इनशाला पढ़ेंगे और उसके बाद बड़ी डिटेल से फिर छठे जो है रसूल या छठी कौम कौम मूसा जो है वो फिर बाद में आइंदा आने वाले दिन में उसका भी तस्करा होगा इनशाला तो शुरू करते हैं आयत नंबर एटी फाइव बिललाह मिन शैतान रोजिम व इला मदीन और मदीन की तरफ اخاهم शुएबा उनके भाई शुएब को शुएब को भेजा हम देखेंगे कि इनके अल्फाज जो हैं हाँ आयत के तकरीबन वही मिलते जुलते जो पिछली ए, पिछले रसूल या पिछले قومों जो हैं उनके लिए भी आए थे क्योंकि हक और दावत जो है तब दावत तब्लिक तो तकरीबन वही है ठीक है इसलिए और दूसरे नंबर पे उन कौमों के साथ जो इन जो कौमों ने जो सलूक किया रसूल के साथ रसूल आल्लाम के साथ उनके भी तकरीबन एक ही तरह के अंदाज थे और फिर उनके साथ जो अजाब होया वो भी फिर इसी वजह से आया कि उन्होंने इनकार और और तकबर किया ठीक है तो इसलिए फिर बड़ी आसानी से हम इनशा गुजर जाएंगे इस इस मतलब वाक़े से भी वह अलिया मदना शुएबा और मदियन की तरफ उनके भाई शुयब को मदियन जो है वो हजरत इब्राहिम के एक बेटे का नाम है और उन्हीं से फिर एक कौम जो है वो वादी जो है जहाँ पर वो थे वो उसका नाम ही मदीन पड़ गया वादी है मदीन भी बन गया वादी का नाम भी और उस कौम का नाम भी मदीन हो गया बहर मदियन की कौम जो थी उसकी तरफ उनके भाई शुयब शौयब शुैब को भेजा उन्ही में से जो शुएब जो हैं उनको वहाँ पर मबूस किया खला या कौम अबूद उसने कहा मतलब सलाम ने कहा ए मेरी कौम तुम इबादत करो अल्लाह की मकुम मा मालाह मा नहीं है तुम्हारे लिए कोई मबूद इसके अलावा ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो सिर्फ अल्लाह की इबादत करो उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई और मबूद नहीं है कद जना यकीन आ चुकी तुम्हारे पास वाज दलील में रबी कुम तुम्हारे रब की तरफ से अब उस रसूल की शक्ल में या उन उस रसूल ने जो पैगाम पहुँचाया उसकी शक्ल में तुम्हारे पास अब वाज दलील आ चुकी है वाज हदायत और रहनमई आ चुकी है अपने रब की तरफ से फाउ फुल कैला वालमीज आना तो पूरा करो माप को और तोल को अब यहाँ पर पिछली कौम में हमने पढ़ा था कि शिरक के अलावा वो उनमें लवात जो है वो एक गुना जो वो उनमें आ गए थे एक बीमारी लवातत की अब ये कौम जो कौम मदियन है इसमें शिरक के बाद जो शिरक के अलावा नाप माप तोल में कमी जो है वो उनमें एक बुराई पैदा हो गई ठीक है तो इसके लिए यकीन ये एक जिक हद से ज्यादा और बहुत ही ज्यादा कहने के पूरे के पूरी कौम ही उसमें मुब्तला होगी कोई भी उनमें इसलाह करने वाला नहीं कोई भी उसकी पूछ गिछ करने वाला नहीं और एक भी मुद्दा ऐसा नहीं बचा होगा जो कि इस गुना से बच गया हो या इस गुना की इस, इसकी कुछ इतलाह करने की कोशिश की हो तो इसीलिए फिर वहां पर एक रसूल की जरूरत थी तो शिरक के अलावा फाओ फुल कैला बल में जाना तो पूरा करो माप को और तोल को अब माप और तोल जो है अः वो पूरा करना इस, इस इसका मतलब या इसका मुराद सिर्फ ये नहीं कि आपने तराजू में जो वजन करना है वो वजन जो है वो पूरा होना चाहिए बल्कि हर चीज में आपका माप और तौल यानी आपका तोजन जो है वो पूरा होना चाहिए अगर आप किसी को वक्त का आपका एग्रीमेंट है डेली का आठ घंटे का छह घंटे का दस घंटे का, का काम करने का तो उस वक्त में कमी बेशी जो है वो भी माप तोल में कमी बेशी होगी आपकी जो अपनी जाती एफर्ट्स अगर आप किसी को मतलब सरेंडर करते हैं किसी मतलब उजर अजर के बदले किसी उजर या किसी क्या कहते हैं सैलरी के बदले मतलब इस तरह के भी बहुत सारी मतलब जॉब्स हैं तो उसमें आपकी मेहनत जितनी आपको मतलब चाहिए उस जॉब के लिए या उस प्रोजेक्ट के लिए वो आपको पूरी करना उसके लिए जरूरी है तो इस तरह से और भी बहुत सारे मामला हैं जो मतलब हम अपने रोजमर्रा के माशरे में देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे में मौजूद हैं तो माप तोल में पूरा करना या माप तोल में कमी बेशी जो है वो हर तरह की चीज आ जाती है जिसमें ये कह ले कि ईमानदारी और बेईमानी जो है उसमें हर सारी कुछ आ गया ठीक है तो पूरा करो माप को और तोल को वला तब खास और ना और मत तुम कम कर दो मत तुम कम करो कम दो अन्ना सब लोगों को अशिया आहम उनकी चीजें उनकी चीजें यानी कम तोल कर मत दो वला तुफ और मत तुम फसाद फिलाओ फिल अर्जी बाद असलाही है जमीन में इसके असलाह के बाद जमीन में इसके असलाह के बाद अब इसके असलाह क्या है कि उससे पहले जो रसूल और नबी और, और, जो तुम्हारे पास पिछली कौमों के जो तस्करे गुजरे उसके बाद Uh, मतलब पिछली कौमों में भी हज़रत नू और हजरत इब्राहिम के ऊपर आया उनसे बचे हुए लोग जो थे जिनको बचा लिया गया और जब दोबारा किसी बस्ती में आबाद हुए किसी जगह पर तो वो सारे के सारे पाकबाज लोग थे उन्होंने मतलब तोहहीद की दावत बुलंद की उसी के ऊपर कारबंद रहे तो वो एक असलाह शुदा माशरा बन गया या कौम बन गई एक ऐसी कौम या ऐसी बस्ती जिसमें पूरा अमनो अमान और पूरा अल्लाह की तोहिद और वहदानियत और उसके कायम थे लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से बेरारवी का शिकार होना लोग होने लग गए लोग फिर बाद में आठ ठीक है तो या इसका दूसरा ये भी है कि जब तुम्हारे पास आ चुकी किताब हदायत आ गई वाज तौर पर दलील आ गई तो अब इस असलाह के बाद तुम फसाद मत फैलाओ फसाद मत फैलाओ उसके खिलाफ कदम मत करो ताकि के अगले लोग जो हैं वो भी उस गुमराही का शिकार हो जाएं। जालिकुम खैर लकुम यही बेहतर है तुम्हारे लिए इन कुन तुम अगर तुम ईमान लाने वाले हो अगर तुम ईमान लाने वाले हो तो ऐसा करना तुम्हारे लिए बेहतर है वला तक और मत तुम बैठो बिकुल सिरातिन हर रास्ते पर तुम रास्तों में मत बैठो तू ओ दो तुम सब डराते हो व तसुद दो न और तुम सब रोकते हो अन सबी अल्लाह के रास्ते से तुम सब डराते हो तुम सब डराते हो क्या क्या मतलब है कि वहां पर क्योंकि नापतोल में कमी से एक ये भी है कि उनके जो हिरस और लालच थी दौलत के लिए उसका उसका भी हमें पर थोड़ा सा अंदाजा होता है और दौलत को हासिल करने के लिए ना सिर्फ माप तोल में कमी बल्कि रास्तों में बैठ कर को काफिलों वगैरह को या लोगों को मुसाफरों को लूट लेना एक ये भी उसका पहलू है और दूसरा है तुम तुम रोकते हो तुम डराते हो ये तू अदूना तुम डराते हो रास्ते में रास्ते को अनसेफ कर दिया रास्ते को रास्ते में मतलब अमनो अमान जो है उसको बर्बाद करते हो और अल्लाह के रास्ते से रोकते हो अल्लाह के रास्ते से अल्लाह की तरफ कोई जा रहा है उसके ऊपर उसके रसूल के ऊपर जो कोई ईमान लेके आया उसकी तरफ अगर कोई जा रहा है या नेकी या इस्लाह के रास्ते की तरफ कोई अगर रागब करने की कोशिश करता है तो तुम उसको रोकते हो मन आमना भी जो जो ईमान लाया उस पर यानी जो ईमान लाया हजरत शुहेब की बात हो रही है कि जो उनके ऊपर ईमान लाया उनकी तरफ जाने वाले लोग जो हैं उनके रस्ते उनको रस्तों से रोकते हो वह तबाजा और तुम सब तलाश करते हो उसमें कजी उस रस्ते में तद, कजी तलाश करते हो उसके खिलाफ कुछ से डालते हो उसके खिलाफ इकदाम करते हो ये हक की जो बात जो वहां पर जो पैगाम फूट रहा है उसके खिलाफ तुम रस्ते तलाश करते हो कजी तलाश करते हो इस और तुम 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 सब याद करो इस तुम था, जब तुम थे जब कलीलम थोड़े से तादाद में तुम थोड़े से थे पकसारा कुम तो उसने ज्यादा कर दिया तुम्हें जो एक एक वक्त था जब तुम तो एक छोटी सी कौम थे छोटी सी बस्ती थी चंद ही लोग थे फिर अल्लाह ताला ने उस तादाद को भी बढ़ा दिया तुम्हारे लिए वन और तुम सब देख लो कई फकाना आपके बतलमफीन के कैसा हुआ अंजाम सब फसाद करने वालों का उससे पहले जो कौमें तबाह हुई जो कौमें जिन्होंने इनकार किया जो और जो अपनी हट दर्मी और मतलब गुमराही की रविश पर कायम रहे तो और तकबर किया देख लो उनका क्या अंजाम हुआ उन फसाद करने वालों का वह वा इन कहना और अगर है तामजी वो सब ईमान ले आए हैं उस पर जो कि मैं भेजा गया हूँ इसके साथ वत एक ग्रोह है एक दूसरा ग्रोह है कि वो नहीं ईमान लाए अब यहाँ पर सिंपल सी है कि एक अब, अब दो ग्रो वहां पर बन गए एक ग्रो तो वो है जो हजरत शुएब असलम के की त, की तरफ जो भेजा गया उस पर वो ईमान लेकर आए ठीक है एक ईमान वाले यानी मुसलमान हो गए जो ईमान लेकर आए और दूसरा ग्रोह वो है जो ईमान नहीं लाए ये दोनों ग्रोह हैं फस बिरुह हत्ता फस बिरू तो तुम सब सब्र करो हत्ता यहां तक के यह कुम फैसला तो तो नतीजा यही है कि तुम सबर करो यहाँ तक कि अल्लाह तला हमारे दरमियान फैसला फरमा दे यानी वो अजाब की घड़ी जो है वो ले आए या तुम्हारे साथ कुछ सख्ती वाला मामला अल्लाह तला करे कुछ सख्त आजमाइश भेज जाए या सख्त अजाब दे दे और इस तरह से हमारे दरम्यान फैसला दे दे यानी कि मैं जो कह रहा हूँ या हम जो कह रहे हैं मतलब वो रसूल जो कह रहे हैं वो हक और सच है तुम उसको मान नहीं मान रहे तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह तुम्हारे दरमियान हमारे दरमियान फैसला करेगा और उसके फैसले के बाद तो फिर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं होगी कि तुम उसका इनकार करो वाह हुआ खैर हाकिमिन और वो यानी अल्लाह वो बस्तर फैसला करने वालों में करने वालों से है और वो है बेहतर है सब फैसला करने वालों से जितने फैसला करने वाले उनमें सबसे बेहतर अल्लाह ताला है या अल्लाह ताला ही सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है जी आज हमारा पारा नंबर आठ जो है वो भी ए, मुकम्मल हो गया कहा उन सरदारों ने अब उनके सरदारों ने जैसे पिछली कौम के सरदारों ने बड़े बड़े जो लोग थे जो सासब नाले मालो दौलत वाले वो उस तरह के यहाँ पर भी मामला है कि उन सरदारों ने कहा अल्लाजी तकबरु मिन कौमी ही जिन सब ने तकबर किया उसकी कौम में से नीज का जरूर बिल जरूर हम निकाल देंगे तुल या शुब या शुएब वीना आनु माँ का और वो लोग और उन लोगों को भी जो ईमान लाए तेरे साथ मिन कर यतीना अपनी बस्ती से यकीनन हम तुम्हें जरूर निकाल लें ऐ शुआब और उसके साथ उन और शुआब तुझे और उन लोगों को जो तुझ तेरे साथ ईमान लाएंगे यकीनन हम तुम सबको इस बस्ती से अपनी बस्ती से निकाल देंगे ला औताऊन्नाताउून्ना ला ला या जरूर तुम वापस आओगे या तो फिर जरूर तुम वापस आओगे फिर मिल लाती है हमारे दीन की तरफ यानी उन्होंने एक धमकी दे दी कि या तो तुम हमारे दीन की तरफ वापस लौट आओ हमारी जो रस्म रवाज और हमारे जो भी मामला चल रहे हैं या तो तुम हमारी तरफ वापस लौट आओ नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अपनी बस्ती से बाहर कर देंगे निकाल देंगे खाला तो उसने कहा आओ अव कुन्हीन और क्या अगरचे हम हूं नापसंद करने वाले अगरचे हम इसको नापसंद करते हैं जो तुम कर रहे हो जो तुम्हारे अगर अगरचे हम उसको पसंद नापसंद करें उसके बावजूद तुम क्या तुम ऐसा करोगे क्या तुम जबरदस्ती के साथ हमारे साथ ऐसा करोगे कदिफ ना यकीन हमने बांधा अल्लाह ही काजीब अल्लाह पर जूठ इन उद ना अगर हम लोट आए फी मिल्लाती कुम बजन जाना फी मिल्लाती कुम अपने तुम्हारे दीन की तरफ हमने यकीनन झूठ बांधा अगर हम तुम्हारे दीन की तरफ लौटाए इसके बाद के मन जब निजात दी हमें अल्लाह ने उससे यानी अल्लाह ने जब हमें ऐसी बुराइयों से निजात दे दी अल्लाह ताला ने हमें हमत और हदायत और रहनुमाई दे दी अब इस सूरत में अगर हम तुम्हारी कौम की तरफ या तुम्हारी तरफ तुम्हारे दीन की तरफ वापस लौटे तो यकीनन इसका मतलब यही होगा कि हम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं और नहीं है मुनासिब हमारे लिए हमारा रब है ये हमारे लिए मुनासिब नहीं ये हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम लौट आए तुम्हारे दीन की तरफ हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम लौट आए हाँ अगर अल्लाह चाहे जो तुम्हारा रब है अगर अल्लाह चाहे अगर हमारा अल्लाह जो हमारा रब अगर वो वो चाहे तो हो सकता है अदरवाइज ये ऐसा हमारे लिए मुनासिब नहीं ये बिल्कुल वैसे ही जरबल जरबुलमिसल है जैसे पहले ऊंट के बारे में दी थी वो लोग जो तकबर और इनकार करते हैं अल्लाह की आयत का वो जन्नत में हर सूरत उस वक़्त दाखिल नहीं हो गए जब तक ऊंट जो है वो सुई के नाके से ना गुजर जाए उस वक्त वहां पर भी एक मिसाल दी थी कि ये इम्पोसिबल है ये नामुमकिन है कि ऊंट जो है वो सुई के नाके से गुजर जाए तो लिहाजा उन ऐसे लोगों का जन्नत में दाखिला भी मुमकिन नहीं उसी तरह यहाँ पर भी एक तवीन या एक मिसाल है कि अगर अल्लाह चाहे तो हम कर सकते हैं अदरवाइज हमारे लिए मुमकिन नहीं और यकीन ये बात मुमकिन नहीं इसका मतलब यह है कि ये नामुमकिन बात है कि हम तुम्हारे तुम्हारे दिन की तरफ वापस लौट आए यानी अल्लाह तो ये नामुमकिन है कि अल्लाह चाहे कि वो किसी ऐसी बात की तरफ किसी को भेज दे अपने अपनी मंशा से जो कि उसकी तालीमत के खिलाफ है वासिया रबुना और हाथा रख या कर रखा है हमारे रब ने कुल्ला शाइन इल्म हर चीज का अपने इल्म के साथ अल्लाह ताला ने हमारे अल्लाह ने तो हमारे रब ने तो अपने इल्म से हर चीज का इहाता करा है हर चीज उसके इल्म के इहाते में अल्लाह ही तवक्कल ना हमने उस पर भरोसा किया है सिर्फ अल्लाह ही पर हमने भरोसा किया रब नफ्तिख रब नफ्तह बैनना ए हमारे रब फैसला फरमा दे हमारे दरमियान अब उन्होंने ये दुआ की कि ए हमारे रब फैसला फरमा दे हमारे दरम्यान वह बीना इना और हमारी कौम के दरम्यान बिलहक़ की हक के साथ यानी यहाँ पर ये यह दुआ कर रहे हैं या दूसरे लफ्जों में कह लें कि अजाब के लिए दुआ कर रहे हैं कि अब ये कौम जो है ये सुधर नहीं रही या हर तरह के हरब मतलब आजमा लिए उसके बावजूद ये कौम जो है वह हदायत नहीं पकड़ती तो अब अः ए हमारे रब हमारे और इस हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे वह अनताफा और तू सबसे बेहतर है फैसला करने वालों से और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है वकाल मलाउीना और कहा उन सरदारों ने जिन्होंने कुफर किया वही जो उस तक तकबर और कुफर करने वाले जो सरदार हैं उन्होंने कहा मिन कौम ही उसकी कौम से लाइन अगर बेशक तुम उस वक्त यकीन नुकसान उठाने वाले हो जाओगे यानी वो जो सरदार थे जो साहिब हैसी लोग थे उन्होंने अपनी कौम के ऊपर भी ढोंस चला जबाने की कोशिश की या उनको भी अः जबरदस्ती रोकने की कोशिश की कि अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे जाहिर है अगर वो अलैहिस्सलाम की पैरवी करेंगे तो नाप तोल में कमी जो है वो उनको छोड़नी पड़ेगी और नाप तोल में कमी उनके अपने, अपने जोनी सोच थी उसके मुताबिक है तो इस सेंस में भी और दूसरी सेंस में भी की अगर तुम उनकी तरफ चले गए कौमे शुएब की तरफ चले गए तो हम तो उसके खिलाफ हो सकता है हम उसे बस्ती से बाहर निकाल दें तो तुम भी खसारा पाने वालों में से हो जाओगे उन्होंने अपनी

तो वो अपने घरों में औंधे पड़े हुए थे उनको जलजले ने पकड़ लिया और वो इतना अचानक रात के वक्त कि जब सुबह हुई तो वो वो पूरे पूरे के पूरे जो नबूद तो हो गए और अपने घरों में औंधे पड़े रह गए अब इसके बारे में भी जलजले के साथ साथ तो चीख और चिंगाड़ और बादल जो हैं गहरे बादलों का अंधेरा या साया जो है वो भी कुछ आयात से मिलता है इस अजाब के साथ साथ तो ये सारी सिचुएशन जो है ना अजाब की की शक्ल में जमा भी हो सकती है जैसा कि कल थोड़ा सा किया था उनके ऊपर भी एक बड़ा जो है जिसके साथ चीख और मतलब बड़ी खौफनाक आवाज और बादल जो है वो भी उन रात का वक्त था अगर तो बादलों का अंधेरा भी तो ऐसी सूरत में उनके उनके ऊपर अचानक ये आजाब आया कि वो सब अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए अल्लाजीन कजू और वो लोग जिन्होंने शुयब शुयब को को कान अलम फी हा। गोया के वो बसे ही ना थे इसमें उनकी हालत ऐसी होगी जिन्होंने शोएब को ठुकराया झुटलाया उनका इनकार किया शुएब का तो वो उनकी हालत ऐसे हो गई कि उनकी बस्ती ऐसे लगती थी कि वो उस उनके घरों वो बसे ही नहीं थे बिल्कुल ऐसे बेअबान होगी अचानक से कि उनमें जैसे ऐसे लगता था जैसे कोई आबादी ही नहीं जैसे कोई रहता ही नहीं उसमें अल्लाजी बन और वो लोग जिन्होंने शुएब को जुटलाया कान वो सब खसारा पाने वाले थे जो सब खसारा पाने वाले हो गए सरदार तो कहते थे कि अगर शुैब की पैरवी की तुम तो तुम खसारे में पड़ जाओगे जबकि हकीकत दर हकीकत ऐसा हुआ कि शुैब को जुटलाने वाले शुैब को जुटलाने वाले जो है वही खसारा पाने वाले हो गए फतवल्ला मिन फिर मुंह फेर लिया अन उनसे यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे मुंह फेर लिया जब आजाब का वक्त आ गया या आजाब के बाद या आजाब के वक्त उनसे मुंह फेर लिया वकाल और कहा या कौमी ऐ मेरी कुम लकद अब लगतुकुम अलबत्ता मैंने तहकीक मैंने पहुंचा दिए तुम्हें रिसालाती रब्बी पैगामात अपने रब के लकुम नसीहत कर दी तुम्हारे लिए खैर ख्वाही की तुम्हारी मैंने شک, قوم, شک, मैंने बेशक बेशक तो अल्लाह के जो थे उनको तो तुम तक पहुंचा दिया और मैंने तो खैर ख्वाही की थी तुम्हारे लिए नसीहत की थी तुम्हें आसा तो कैसे मैं गम करूँ अला इन काफी ऐसी कौम पर जो काफिर हैं मतलब अल्लाह की तरफ से जो पैगाम थे जो वो तो तुम्हारे ऊपर पहुंच गया मैं अपनी पूरी कोशिश कर दी तो पूरी खैर ख्वाही कर दी इसके बावजूद अगर तुम उसका इनकारी करते रहे और अब अगर तुम्हारे ऊपर अजाब आने को है या आ गया है तो अब मैं कैसा काम करूं मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने फी कर किसी बस्ती में अब ये जो आगे आने वाली आयात हैं थोड़ी सी आयात हैं ये देख लेते हैं ये कहले कि पिछली ही जो पांच जो قومें हैं जिनका जिक्र हुआ उनके बाबत एक थोड़ा सा अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर वो मतलब मान जाते दीन को और अपनी रविश पर रविश को छोड़ देते तो फिर तो उनके ऊपर इनामात और इकरامات होते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ठीक है अल्लाह ताला तो आजमाता है तंगी और पुस्सी देकर भी आजमाता है ज्यादा माल और दौलत देकर भी आजमता है और अल्लाह की ये सुन्नत है कि जब किसी कौम की तरफ कोई रसूल को भेजता है तो उनके ऊपर मतलब आजमाइश दोनों तरह की हालात जो हैं वो उनके ऊपर आते हैं उनकी आजमाइश के तौर पर उनके ऊपर थोड़ी तंगी और पुर्सी और थोड़ा सा सख्ती जो है वो भी हो जाती है उसमें देखने के लिए कि वो कैसे अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं या नहीं करते या अल्लाह की तरफ वो अपना आ, अकीदा दुरुस्त करते हैं या नहीं फिर अगर नहीं करते तो फिर उनको आशाइश और आ, मतलब आसानियाँ जो है वो दे देते हैं अल्लाह ताला और उस सूरत में फिर और वो तो और ज्यादा गुमराह और और ज्यादा तकबर करने लगते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो है वो उनके उनको अजाब में जकड़ लेते हैं ये पिछली कौमों के साथ ऐसा वाकयात हुए जिसका अल्लाह ये अगली आयात में थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं वा अरसल ना और नहीं भेजा हमने और नहीं हमने भेजा फी कर नबी कोई, कोई, कोई भी नबी मगर ये अखज़ ना हमने पकड़ा आने वालों को बिल्बाअसाई तंगी के साथ व्राई और तकलीफ के साथ तंगी और तकलीफ के साथ यानी तंगी खाने पीने की या मालत दौलत की तंगी और तकलीफ यानी जिसमानी कोई बीमारी वगैरह या इस तरह के मामला यानी तंगी और तकलीफ के साथ अः यज़र लाजर ताकि वो सब गिड़गड़ाएं नहीं हमने भेजा किसी बस्ती को किसी बस्ती में कोई नबी मगर हमने पकड़ा मगर ये हमने पकड़ा उसके रहने वालों को तंगी के साथ और तकलीफ के साथ ताकि वो सब गिड़गड़ाएं यानी कि हमने जब भी नबी भेजे तो उसके साथ आजमाइश के लिए को थोड़ी सी आजमाइशें भी भेजी उनके ऊपर तंगी की सूरत में तकलीफ की सूरत में या किसी भी सूरत में अगर वो यानी जब रसूल आया या नबी आए हैं तो इसका मतलब है कि उसको कौन को असलाह की जरूरत है उससे पहले उनमें कुछ बिगाड़ आ चुके हैं और खास कर तोहहीद का बिगाड़ आ चुका है के का इनकार या शिरक की सूरत में एक बिगाड़ आ चुका है तो ऐसी सूरत में जब नबी भेजे हैं तो उनको उनको इसलाह करने के लिए या उनको अल्लाह की तरफ रागब करने के लिए नबी की तालीमत के साथ साथ तो उनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती या तंगी या तकलीफ वाले मामले भी किए ताकि वो मतलब आपने जो अमाल हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकल कर अपनी अपनी जो सिचुएशन है उससे थोड़ा सा बाहर निकल कर अल्लाह की तरफ तोजह करें अल्लाह से थोड़ा सा डर जाए ताकि वो सब गिड़गड़ाएं अल्लाह की तरफ रजू करें गिड़गिड़ाते हुए सुम बदलना फिर हमने बदल दी अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर सुम् बदलना फिर हमने बदल दी मकान सै सती बदहादली की जगह सया वही जो तंगी है तंगी की जगह बदहाली बदहाली की जगह तो हसना हसना या खुशहाली उस तंगी को खुशहाली से हमने बदल दिया यहाँ तक कि वो सब बढ़ गए वकालु और उन सब ने कहा जब तंगी को खुशहाली से बदल दिया तो वो तो अपनी हदों से बढ़ गए वो तो और ज्यादा गुरूर तकबर में बतला है और वकालू और कहा और उन सब ने कहा कदम आबाना यकीनन पहुंची है हमारे आबाव अजदाद को तकलीफ़ और खुशी ये तकलीफ़ और खुशी जो है ये तो मामले को चलते रहते हैं ये तो हमारे आबाओ अजदाद में भी इस तरह के मामले हुए उनको भी कभी तकलीफ आ गई कभी खुशी आई कभी वो परेशानी में रहे या तंग दस्ती में रहे कभी उनमें खुशहाली आ गई तो ये तो चीजें चलती रहती हैं फाखज ना हम तो हमने पकड़ लिया उन्हें बगत अचानक शरन और इस हाल में कि वो नहीं शोर रखते थे यानी अल्लाह ताला ने अपनी हरजत जो है वो तमाम कर दी उनको आसानी के मामले भी दिखा दिए और उनको सख्ती के मामले में भी दिखा दिए और दोनों सूरतों में जब वो अपने इनकार पर ही कायम रहे अपने रविश पर ही कायम रहे तो उसका नतीजा क्या निकला तो हमने पकड़ लिया उन्हें अचानक उस हाल में कि वो सब शोर नहीं शोर रखते थे कि अब उस चीज़ की तरफ अल्लाह ताला ने पकड़ लिया उस अजाब को दर, दरपेश कर दिया उनके लिए जिसका उनको पहले से पैगाम भी पहुंचा दिया लेकिन वो उसका शोर नहीं रखते थे उसकी वो अः समझ बूझ नहीं रखते थे उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते थे कह लें वलाओ और अगर अन्ना अहल अल कुरा अगर वाकई बस्तियों वाले आम मानो सब ईमान ले आते वक्ाओ और तकवा अख्तियार करते अगर वो वाकई ईमान ले आते और तकवा अख्तियार करते अल्लाह का डर अख्तियार करते ला तो हम जरूर खोल देते उन पर बरकतें वल अर्दी आसमान आसमान से और जमीन से अगर वो ईमान ले आते और तकवा अख्तियार करते तो हम जरूर उनके लिए जमीन और आसमान से बरकतें खोल देते वोला किन और लेकिन उन सब ने जुटलाया फ तो हमने पकड़ लिया उन्हें बिमा वो सब वो सब कमाया था उस वजह से थे कि जो थे वो सब कमाया करते यानि उनके जो कसब थे उनके जो रोजमर्रा के मामला या उनके जो मतलब अमाल थे उनके सबब उनको अल्लाह तला ने पकड़ लिया उनकी पकड़ हो गई आफा आमिना फिर क्या फिर क्या फिर न डर हो गए हैं आहलरा बस्तियों वाले अन के के उस उसके उससे के आ जाए उनके पास हमारा आजाब बयातन रात को नाइमून और इस हाल में कि वो सोए हुए तो फिर क्या न डर हो गए हैं वो बस्तियों वाले वो बस्तियों वाले फिर क्या न डर हो गए हैं कि अचानक अल्लाह का अजाब आ जाए जबकि वो रात को सोए हुए हों ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए भी यहाँ पर ठीक है ये पिछली कौमों के तस्करे जहाँ जो जहाँ पर जिक्र हो रहे हैं उन लोगों के लिए कि तुम्हारे लिए तो पिछली कौमों के तस्करे तुम्हारे सामने हैं तुम्हारे नबियों रसूलों की जो बातें हैं उनकी तालीमत हैं उनके सामने हैं और उनके इनकार के जो रविश है वो भी तुम्हारे सामने हैं तुम्हें सब कुछ पता है और उसके नतीजे में उनके ऊपर जो अजाब आ गए तो वो भी तुम सबको पता है फिर भी तुम नहीं डरते ये आज हमारे लिए भी है कि हमारे सामने हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं तो इसके उसके अलावा आम जो लोग हैं उनको भी इस चीज का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है मेरा ख्याल है कि इस तरह की कॉमें गुजरी हैं जिनके ऊपर अजाब आ चुके हैं वो दुनिया की तलीमत में भी उनको ऐसी तालीम या ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई है जिससे उनको अंदाजा है कि पिछली पिछली कौमों के साथ कैसे कैसे अजाब आई या कैसे कैसे वो नेस्त नाबूद हुई तो फिर क्या तुम फिर न डर हो गए हो ऐसे बस्तियों वाले जो हैं क्या अभी न डर है कि अल्लाह का अजाब आ जाए उनके ऊपर के रब वो रात को सोए हुए क्या वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं या इस चीज से नहीं डरते कि अचानक उनके ऊपर अजाब आ जाए कि जैसे कि पिछली बस्तियों पर आए तो रात को सोए हुए थे और सुबह वो ओंधे मुंह पड़े हुए थे जैसे ये कौम शुएब का अभी जिक्र हुआ अब अमीना अहल और क्या वो न डर हो गए हैं बस्तियों वाले और क्या ये बस्तियों वाले न डर हो गए हैं अतिया हूँ कि आज है उनके पास बसुना हमारा आजाद जुहन दिन चढ़े अब पहले था कि रात को सोते हुए आ जाए कि उनको पता ही ना चले और क्या वो इस चीज से भी ना डर हो गए कि कभी दिन दिहाड़े ही उनके पास उनकी तरफ अजाब आ जाए जैसे कौमे नू के पास आया कितने दिन उन्होंने कश्ती में तैयारी करते रहे फिर वो अजाब जो है वो शुरू हुआ और आस्ता आस्ता वो सैलाब और बारिश जो है वो ऐसी बड़ी सैलाब ऐसा आया कि वो पूरी बस्ती जो है वो तबाह हो गई तो उनके पास क्या वो इस चीज से भी न डर हो गए कि दिन चढ़े उनके ऊपर अजाब आ जाए वह उस और इस हाल में के हम मेंल आगुन वो सब खेल रहे हों और दिन दहाड़े उनके ऊपर आजाद आ जाए जब वो खेल रहे हो खेल रहे हो यानी दुनिया के खेल तमाशे में मशगूल हों जैसा कि पहले जिक्र हुआ आयात में भी आया कि दुनिया के खेल तमाशे की यहां पर हुआ कि ऐसी हालत में कि जब वो दुनिया के खोए हुए हैं दुनिया के खेल तमाशों में मशगूल हैं अपने दीन को मजाक बनाया हुआ उसके रास्ते पर चलने की बजाय उससे रोकने की कोशिश करें और ऐसी हालत में उनके ऊपर अजाब आ जाए फ तो क्या वो सब डर हो गए हैं मकर अल्लाह की तदबीर से ये अल्लाह ने जो तदबीरें की हैं ये सारी की सारी तो जिक्र हो चुकी और फिर किसी कहानियों की शक्ल में या नबियों और रसूलों के की की तबलीग में उनको जिक्र किया गया है तो अल्लाह की ये तदबीरें जो हैं क्या तुम उससे न डर हो गए हो अल्लाह की तदबीरें हमें भी पता है आज हमारे ऊपर भी उस तरह के अजाब तो नहीं आते आ सकते पूरी की पूरी कौम जो है आ, उम्मत जो है पिछली उम्मतों की तरह तबाह हो बर्बाद हो जाए लेकिन हमारी तरफ दूसरी तरह के अजाब भी आ जाते हैं जैसे एक आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह तला के ये भी एक अजाब की शक्ल है कि वो दुआए कबूल नहीं करता ठीक है तो मुख्तलिफ तरीके से हमारे ऊपर भी अजमायशें आ सकती हैं हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से अजमायशें आती हैं बल्कि आती हैं यकीनन आती हैं तो क्या वो सब न डर हो गए हैं ये सारा कुछ जानते बूझते तदबीरें कैसी हैं अल्लाह किस तरह से तदबीरें करता है अल्लाह ताला ने यह गायब की चीजों में से एक ये भी चीज हमारे सामने निकाल कर रख दी कि अल्लाह तला की तदबीरें कैसी होती हैं मिसालों के साथ हमारे ऊपर बयान कर दिया फला या अमन फला या अमन तो नहीं डरते डर डर न होते नहीं न डर होते अल्लाह अल्लाह की नहीं डरते नहीं लोग जो खसारा पाने वाले हैं यानी वो खसारा पाने वाले जो हैं वही अल्लाह की कौम से अल्लाह की तदबीर से न डर हो जाते हैं उसके अलावा वो जो वो कौम जो खसारे पाने वाली नहीं है यानी इसके उल्ट जो है जो जो कामयाब लोग हैं जो अल्लाह के मतलब दीन की दावत को कबूल करते हैं और अपने इसलाह करते हैं तकवा अख्तियार करते हैं वो तो यकीन अल्लाह की तदबीरों से डरते हैं जब उनको बताया जाता है कि ऐसा करने से अल्लाह तला की ये ये आजमाइश आ सकती है या ये सख्ती आ सकती है या एटलीस्ट हमारे समय ये तो पता है कि हम दुनिया में ये जो कमाएंगे तो उसका अंजाम आखिरत में हमारे लिए क्या होगा तो जो तो अल्लाह का खौफ रखते हैं तकवा अख्तियार करते हैं वो तो इन तदबीरों से डरते हैं लेकिन वो लोग जो जो खसारा पाने वाले हैं वो अल्लाह की तदबीरों को से नहीं डरते वो उसके न डर हैं वो उसके बेखौफ हो जाते हैं या कहने के वो उसको वैल्यू नहीं देते वो उसका डर अपने दिल में पैदा नहीं करते हैं। और उसका खौफ जो है वो अपनाते नहीं वो उसकी तरफ आते ही नहीं हुई नलामुबीन जी अलहमदिल्ला आज हमने पाँच कौमों का तस्करा जो है वो मुकम्मल हो गया हमारा और उसके बाद आ, कुछ थोड़ी सी समरी भी हमने आज देख ली अल्लाह तला से दुआ है कि इसमें हमारे लिए सही नसीहत जो है वो हमें अता फरमाए और समझ बूझ और हमारे कहने में सुनने में अगर कोई कमी बेची होगी तो ता अल्लाह ताल उम्मीद है कि अल्लाह ताली हमें ज़रूर माफ़ फरमा देंगे क्योंकि हमारी नीयत जो है वो अल्लाह अल्ल जानता है आमीन या जारब्लॉमीन जी अगर किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप जरूर कर सकते हैं इंशाल्लाह जी फिर इसी के साथ फिर मजलिस के इख्तिताम की तरफ जा जजाकल्लाह खैर शेख जजाकल्लाह खैर दुआया के दुआया इसी के साथ फिर इख्त की तरफ बढ़ते हैं सबको दुआ में जरूर याद रखें अल्लाह तला सब के लिए आसानी वाले मामले फरमाए और एक नया किस्म का वायरस जो है वो सुनने में आ रहा है कुछ दिनों से अल्लाह तला से तो बहुत ज्यादा दुआएं करेगा अल्लाह तला पूरी उम्मत को बल्कि पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनको ऐसी वबाओं से और ऐसी बीमारी से अल्लाह तला जरूर महफूज़ फरमाए ये बहुत बड़ी आजमाइश हमारे ऊपर आ चुकी जिसमें हमारे लिए इम्तहान है इम् बहुत बड़ा अल्लाह अल्ला की तरफ रिज्यू करने का और मैं ये देखता हूँ कि इसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आ गई जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और जिसका हमें पहले पता होने के बावजूद हमने कभी इस्तेमाल नहीं की थी तो ये भी अल्लाह ताला ने अगर हमारे ऊपर कोई आसमायश और तंगी और पुस्ती यानी तंगी इस तरह के मामले हुए तो उसके नतीजे में हमारे कुछ रास्ते भी अल्लाह ताला ने खोल दिए जैसा कि ये प्लेटफॉर्म जिसपे हम बैठे हुए हैं ये जूम जो है ये पहले से मौजूद था लेकिन ये कोरोना के चक्कर में आके ये ऐसा मतलब आ गया कि आप पूरी दुनिया में देखें किस तरह से ठीक है नेगेटिव यूज़ भी हो रहे हैं लेकिन पॉजिटिव यूज़ करने वालों को अल्लाह तला ने कितनी हिम्मत और तोफी दी कि अब वो इस तरह के सिलसिले भी चल निकले तो अल्लाह तो तला तो से दुआ है कि इस तरह की, तरह की, तरह की कोई आजमाइश अगर है तो अल्लाह तला सबसे पहले हमें इस और उसका सब्र जो है वो नसीब फरमाए और उससे हमें निपटने की अल्लाह तला हिम्मत और वफ़ीक जो है वो अता फरमाए और उसके बाद उसके जितने शर है, अल्ला हैं अल्लाह ताला ते हमें महफूज कराए और उसके जितने फ़ायदे हैं वो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अल्लाह अदा फरमाए ये दुआ भी बहुत कार आमद है जो गालिबन उम्मे सलमा की है हम ये दुआ बहुत अच्छी है कि, कि किसी मुसीबत और आ, मुश्किल के वक़्त में अल्लाह ताला से दुआ के इस मुसीबत और मुश्किल को मुसीबत को हमसे दूर कर दे और इससे इसके बदले में हमें कोई अच्छी मतलब चीज़ जो है वो अता फ़रमा आमीन जारब्बालमीन सगीरा रब्बी रहम हुमा कमा रब्बा अब सगीरा रब्बी रहम हम हुमा कमा रब्बा यान सगीरा सुभान <coughs> ربنا تقبل منا انك انت سميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته